सो है गाइज हैव यू ऑल आई होप यू ऑल गुड ना वेलकम बैक टू माई चैनल द बिगनिंग सो गाइज आज नवरात्रि का ग्रीन डे लुक है सो so, आज हम ग्रीन लुक करने वाले हैं सो फर्स्ट हमने यूज़ किया है ये गुड वाइब्स का ग्रीन टी टोनर इसे आप अच्छे से ड्राई कर ले आपके पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर ले टोनर इज द बेस्ट पार्ट ऑफ योर मेकअप सो मेक श्योर कि आप टोनर स्किप ना करें ना और सेकेंड ये की का मॉइस्चराइजर है ये सैम्पल है आप चाहे तो इसमें बड़ा वाला पैक भी यूज कर सकते हैं एंड मॉइस्चराइजर के लिए आपके फेस को बहुत ज़्यादा अच्छे से हाइड्रेट रखता है सो so आप ये वाला मॉइस्चराइजर भी यूज़ कर सकते हैं ना इसे मैंने अच्छे से अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया है देन ये इनसाइड का कलर करेक्टर है इसमें से मैं अपना ऑरेंज कलर कर रही हूँ जिससे मुझे अपने अंडर आइज़ को हाइट करना है और आप इस तरह अमाउंट ले एंड आप डैपिंग प्रोसेस से आपके पूरे अंडर आइज पे अप्लाई करें जिससे कि बहुत अच्छे से ये सेट हो जाए डैपिंग प्रोसेस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ मेकअप सो यू डोंट स्कीप दिस यू कैन सी हाउ इट्स लुक मेरा जो आई एरिया है वो कितना क्लियरली हाइड हो चुका है जो मेरे डार्क सर्कल्स है सो आप भी इस तरह से आपके डार्क सर्कल्स को हाइड कर सकते हैं एंड आपको ऐसा कोई भी पिगमेटेटेड एरिया दिख रहा है तो आप वहाँ पर भी ये यूज़ कर सकते हैं और ये कलर कंसिलर अच्छा है करेक्ट इसमें आपको सारे शेड्स मिल जाते हैं अकॉर्डिंग टू योर फेस सो हम ये फिटमी का फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं अपने ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से आप अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर ले इस तरह अमाउंट में लेकर आप अप्लाई करेंगे तो आपको एक मेजर मिलेगा सो so इसे मैं अपने पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी एंड ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से डैपिंग प्रोसेस से पूरा अच्छे से क्लियर कर लूँगी आप अपना फाउंडेशन वर्क जो ब्यूटी ब्लेंडर का स्टार्टिंग पार्ट है आप उससे आपके अंडर आईज को सेट कर सकते हैं डैप कर सकते हैं लाइक दिस एंड जो ब्यूटी ब्लेंडर का बैक साइड है जैसे कि मैं हर अपनी वीडियोज़ में बोलती हूँ आप उससे डैपिंग करेंगे आपका फाउंडेशन तो वो बहुत अच्छे से एंड इजीली डैप हो जाएगा जिससे आपका फाउंडेशन भी अच्छा निकल कर आएगा वो क्रिकी नहीं लगेगा सो ऑलवेज़ रिमेंबर कि आप डैपिंग प्रोसेस से ही आपका फाउंडेशन अप्लाई करें इससे आपका फाउंडेशन अच्छा रहता है न हम ये इनसाइड का एच लूज पाउडर यूज़ करेंगे लूज़ पाउडर ऑलवेज़ आपके मेकअप में होना चाहिए जिससे कि आपका जो फाउंडेशन है आपका बेस है वो सेट हो जाए सो so, आप इस प्रोसेस से आपके मेकअप को सेट कर सकते हैं आपके फ़ाउंडेशन को आप ब्रश का भी हेल्प कर सक ब्रश की भी हेल्प ले सकते हैं मैंने यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर से लिया है आप ब्यूटी ब्लेंडर की भी हेल्प ले सकते हैं एंड गाइस अगर आपको अच्छा लूज पाउडर चाहिए एंड बजट फ्रेंडली सो आप ये इनसाइट का एच डी लूज पाउडर यूज़ कर सकते हैं ये बजट फ्रेंडली भी है एंड अच्छा टेक्सचर भी है इसका सो so, अब हम हमारा ये आई शेडो पैलेट ले ले रहे हैं इससे हम अपना आई लुक करेंगे सो so गाइज आज मैं कोई हैवी आई लुक नहीं करने वाली हूँ बस एक आई शेडो पिक करके विंग आई लाइनर ड्रॉ करूँगी एंड उससे एज अ काजल भी यूज़ करूँगी तो so सबसे पहले आप ऐसा फ्लैट ब्रश ले ले एंड आपके माइसले वाटर में इसे डिप कर ले जिससे कि आप जो आपका आई शेडो पिक करेंगे वो अच्छे अमाउंट में अच्छे से उस ब्रश पे आ जाए जिससे कि आप आपके आईज़ पर अच्छे से ड्रॉ कर सके लाइक दिस यू कैन सी हाउ इट्स ब्यूटिफुलिस प्रोसेस आई एम कंप्लीट टू माई आई लुक ना इसे मैं एज अ काजल भी यूज़ कर रही हूँ और गाय इसे बेस्ट है कि अगर आपके पास ग्रीन पिंक या किसी भी कलर का अगर आईलाइनर एंड काजल नहीं है सो यू कैन ट्राई दिस टू पैलेट आप आपके आई शेड पैलेट से ही पिक कर सकते हैं लाइक like दिस जैसे कि मैं कर रही हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लुक दिखता है अगर आप हैवी नहीं चाहते तो आप इस तरह से भी आपका आई लुक क्रिएट कर सकते हैं एनी फेस्टिव सीजन बिगनर्स के लिए बहुत बेस्ट है आई एम ऑल्सो बिगनर्स बट आई एम प्रैक्टिस फुल दैट वाई आई एम कम्प्लीट टू माई मेकअप क्लीनली ना हम ये अपना ब्लू हेवेंस का मस्करा ले ले रहे हैं एंड ऑलवेज अगर आपको आपका एक अच्छा बाउंसी लुक चाहिए आपके लैशेज़ का तो आप पहले आपके लैशेज़ को कर्ल कर ले एंड फिर मस्करा अप्लाई करें एंड टू कोट अप्लाई करने से आपका मस्करा और भी ज़्यादा सॉरी आपका हाई लैशेज़ और भी ज़्यादा अच्छा दिखता है आपको कोई लेशेज लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इससे ही आपका एक अच्छा सा लुक आ जाता है एंड इसे हम अपने आईब्रोज के लिए भी यूज करेंगे कभी भी आप अलग से या ज्यादा अमाउंट में कब अपने मस्करे को आईब्रोज़ पर यूज़ ना करें जो आपने यूज़ कर लिया है आपके लैशेस पे और जो लिटिल बिट अमाउंट में है वही आप आपके आईब्रोज के लिए यूज़ करें इससे जो आपका आईब्रोज़ का टेक्सचर है वो अच्छा आएगा नहीं तो इस साइड वाला जो मेरा टेक्सचर है ये वाला थोड़ा डार्क हो गया है क्योंकि इसमें लिटिल बिट एक्स्ट्रा है तो आप रिमेंबर करें कि आप जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट है उसको पहले क्लीन कर लें एंड फिर आपके आईब्रोज़ के लिए ये मशकरा यूज़ करें अगर आपके पास आईब्रो पेंसिल वगैरह या किट नहीं है तो आप इस तरीके का हैक यूज़ कर सकते हैं बट ये ध्यान में रखिए कि आप उसका एक्स्ट्रा अमाउंट डस्ट आउट कर लें जैसे कि ये वाला साइड मेरा बेस्ट है बट ये वाला मुझे थोड़ा डार्क लग रहा है सो दैट्स वाई मैं इसे अपने वाइफ से लिटिल बिट क्लियर कर लूँगी एंड ये मैंने हुडा ब्यूटी का आईब्रो पेंसिल लिया हुआ है जिससे मैं एक लिटल बिट शेप दे दूंगी मेरे आईब्रोज को कि वो क्रिकी या अजीब ना लगे सो so, सबके आईब्रो का टेक्सचर अलग होता है गाइस सो so, मेरा कुछ ऐसा है आप आपके हिसाब से अच्छे से सेट कर ले अपने आईब्रोज को देन ये पिंक चिक टेंट मैंने लिया है जो मेरा बेस्ट पार्ट है वीडियो का मेकअप का सो इसे मैं अपने चिक बोन्स एंड नोज पर अच्छे से अप्लाई कर लूँगी